आज हम अनुप्रयुक्त भौतिकी के द्रवों के गुण विषय पर अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने द्रवों के गुण पृष्ठ तनाव का अध्ययन किया था, आज हम श्यानता का अध्ययन करेंगे। हमने देखा है कि एक ठोस के ऊपर जब कोई दूसरी ठोस वस्तु गति करती है तो उस आपेक्षिक गति का विरोध घर्षण के द्वारा होता है। तो जिस प्रकार दो ठोस वस्तुओं के बीच घर्षण बल कार्य करता है, उसी प्रकार द्रव की दो विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति के कारण भी इन परतों के मध्य एक घर्षण बल कार्य करता है, उसी घर्षण बल को हम श्यानता कहते हैं। इस प्रकार द्रव की दो विभिन्न परतों के मध्य लगने वाले द्रव की दो विभिन्न परतों की अपेक्षिक गति का विरोध ये परतें करती है, इस गुण को हम श्यानता कहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो जब हम चलते हैं पानी के अंदर चलते हैं तो हमें थोड़ा कठिनाई महसूस होती है, वो भी इस श्यानता के कारण होती है। और इसी प्रकार अगर हम किसी द्रव को बिलोकर छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो वापिस श्यानता के कारण वो पुनः उसका शांत हो जाता है, उसका जो गति रुक जाती है। और अगर हम देखें श्यानता के कारण द्रव को जब पानी को एक बार बहाएं और एक बार शहद को बहाएं तो आप देखेंगे कि शहद की श्यानता द्रव पानी की तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए वो उसको बहने में कठिनाई होती है, उसके अंदर आंतरिक घर्षण ज्यादा होता है। इस प्रकार द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की विभिन्न परतें अपनी अपेक्षित गति का विरोध करती है, हम उसको श्यानता कहते हैं। श्यानता को और अधिक समझने के लिए हमें वेग प्रवणता का अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम पहले देखते हैं वेग प्रवणता यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब हम देखते हैं कि यहां पर एक द्रव जो है गति कर रहा है, ये स्थिर सतह है नीचे वाली, और इसके ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे द्रव के विभिन्न परतों के वेग बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये स्थिर सतह है जिस पे वेग शून्य होगा द्रव की परतों का, और जो सबसे ऊपर वाली परत है उसका वेग मैक्सिमम होगा, इसका वेग जीरो होगा जो कि मिनिमम है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक वेग बढ़ता जा रहा है। हम इसके अंदर दो परतों पर विचार करते हैं, यहां से आधार से x ऊंचाई पर जो परत है, एक मैं ये परत ले लेता हूं PQ, इसका वेग v है। इससे dx ऊंचाई यानी कि सतह से x प्लस dx ऊंचाई पर जो परत है, उस परत का इसको RS ले लेता हूं, इस RS परत का जो वेग है वो v प्लस dv है। अगर ये दोनों परतें एक ही वेग से गति कर रही होती तो इनमें किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं होता, ये आराम से गति करती रहती। लेकिन चूंकि एक सतह दूसरी सतह से अधिक वेग से चल रही है, इसलिए क्या होगा, इनमें ये वाली जो सतह है वो इसका विरोध करेगी, वो तेज चल रही थी इसको अपनी तरफ खींचेगी, इस आकर्षण बल के कारण ही, वो श्यानता के कारण ही ये आकर्षण बल उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर वेग प्रवणता कितनी है। अब देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वेग बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा तो जिसका वेग ज्यादा है उसको पीछे वाली परत क्या करती है, कम वेग वाली वो अपनी तरफ खींचती है, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। हमने सोसाइटी में देखा होगा जब कोई आगे बढ़ रहा होता आदमी तो जो पीछे रह जाते हैं वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं कि ये आगे नहीं बढ़े। इसी प्रकार इसमें होता है कि जो कम वेग वाली परत है वो अधिक वेग वाली परत को अपनी ओर
खींचती है, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, पर वो इसलिए नहीं रुकती, उससे आगे वाली परत उससे और तेज चल रही होती है, उसको वो अपने उसको और खींचना है उसको, इस प्रकार वो चलती रहती है श्रृंखला। अब मैं देखता हूं इसमें वेग प्रवणता कितनी है। देखिए कि वेग प्रवणता dx ऊंचाई जब हम बढ़े तब वेग में कितनी वृद्धि हुई, dv, यानी कि dx दूरी के स्थान पर हम इसको ऊंचाई कह सकते हैं, dx ऊंचाई में वृद्धि करने पर वेग वृद्धि कितनी है, वो है dv, क्यों यहां पर v प्लस dv है और यहां पर v है, तो कितना वेग में वृद्धि हो रही है, dv वृद्धि हो रही है। इसलिए अगर एकांक ऊंचाई में वृद्धि करेंगे तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, dv अपॉन dx। इस प्रकार एकांक अगर वेग में ऊंचाई में वृद्धि करते हैं तो वेग में जो परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है, वो होती है dv अपॉन dx। इसी को हम वेग प्रवणता कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन की परतों के मध्य वेग परिवर्तन की दर। ये कितनी आ गई, dv अपॉन dx। अब ये अगर ज्यादा होती है तो हम देखते हैं कि श्यानता ज्यादा होती है। अब इसका श्यानता का जो अध्ययन किया वो न्यूटन ने किया, न्यूटन ने बताया कि किस प्रकार श्यानता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो मैं अब आपको बताता हूं कि न्यूटन का श्यान बलों का नियम, श्यान बलों मतलब विस्कस फोर्सेज। ये क्या है, न्यूटन ने बताया कि दो विभिन्न परतों के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है, यानी कि श्यान बल लग रहा है, वो वेग प्रवणता के समानुपाती होता है, यानी कि ज्यादा वेग प्रवणता होगी तो श्यान बल भी ज्यादा होगा। एक तो उसने इस पर निर्भरता बताई। अभी मैंने देखा था कि ये जिसका वेग प्रवणता ज्यादा आ रही है उसका श्यान बल ज्यादा होगा। अब इसका मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्लास में आपका टेस्ट लिया जाए और आपको मार्क्स बताएं तो आपको कब दुख ज्यादा होगा, जब आपके दूसरे बच्चे के मार्क्स में जितना ज्यादा अंतर होगा आपका दुख उतना ही अधिक होगा। यहां पर भी वेग में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा श्यान बल होता है, यह हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अब यहां देखिए दूसरा क्या बताया उन्होंने, उन्होंने कहा कि जितना इनका संपर्क क्षेत्रफल ज्यादा होगा परतों का उतना ही श्यान बल भी ज्यादा होगा। इस प्रकार ये श्यान बल जो है संपर्क क्षेत्रफल के भी समानुपाती है। फिर मैं उसी उदाहरण को पुनः बताता हूं कि आपके जो मार्क्स आए हैं आपको कब दुख ज्यादा होगा, एक तो क्लास में न्यूट्रल बच्चा बैठा रहता है जिसका आपसे दोस्ती नहीं है, ज्यादा संपर्क नहीं है, एक बिल्कुल आपका खास मित्र है, उसके अगर आपके ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको दुख उसके कारण ज्यादा होगा। तो दोनों बातें हैं, एक तो मार्क्स में अंतर कितना है उस पर भी आपको दुख ज्यादा होगा और एक संपर्क आपका घनिष्ठता कितनी है उससे उस पर भी आपका मार्क्स का जो अंतर आएगा उसमें आपको ज्यादा दुख होगा। यहां पर भी यही है कि जितना परतें संपर्क में है, संपर्क में वो होंगी परतें, जितनी ज्यादा क्षेत्रफल होगा संपर्क क्षेत्रफल उतना ज्यादा श्यान बल होगा और वेग प्रवणता में जितना ज्यादा अंतर होगा उतना श्यान बल बढ़ेगा। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लेंगे हम, ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। ये ईटा क्या है, यही श्यानता गुणांक कहलाता है।
ये जो श्यानता गुणांक है वो विभिन्न द्रवों का भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पानी तो थोड़ा आराम से फ्लो हो जाता है परंतु शहद नहीं हो पाता, क्योंकि उसका श्यानता गुणांक निश्चित रूप से पानी की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसलिए वो उसका श्यानता गुणांक ज्यादा होने के कारण श्यान बल ज्यादा लगेंगे, और श्यान बल ज्यादा लगेंगे तो वो उसको फ्लो होने में ज्यादा कठिनाई होगी। अब ईटा को हम डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, ईटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन ए डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहां देखिए, अगर ए वन हो जाए और डी वी अपॉन डी एक्स भी वन हो तो एकांक वेग प्रवणता और एकांक संपर्क क्षेत्रफल की दो परतों के मध्य जो श्यान बल होगा वो क्या होगा, श्यानता गुणांक होगा। इस प्रकार हम श्यानता गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक संपर्क क्षेत्रफल और एकांक वेग प्रवणता की दो परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल ही श्यानता गुणांक कहलाता है। अब इसका इसकी विमा भी इसी से मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्यानता गुणांक की विमा। देखिए ईटा इक्वल टू एफ की क्या विमा होती है, एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो इसकी विमा होगी एल टू। वेग में परिवर्तन की विमा जो वेग की विमा होती है वही होगी, तो ये हो जाएगी एल टी माइनस वन, ये वेग की विमा है, अपॉन डी एक्स इसकी विमा एल होगी, तो L से L कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास, L1 ऊपर है L2 नीचे है, तो M1 L माइनस वन और ये T माइनस वन ऊपर जाएगा तो T माइनस टू और T1 कितना हो जाएगा, M1 L माइनस वन T माइनस वन। इस प्रकार श्यानता गुणांक की विमा होती है M1 L-1 T-1। इसका मात्रक भी हम निकाल सकते हैं, इससे मात्रक क्या प्राप्त होगा, CGS के अंदर जो मात्रक होता है वो होगा ग्राम, इसका सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसको पॉइज भी कहते हैं। पॉइज ने इसके अंदर विस्कोसिटी में बहुत काम किया है तो उसके नाम से इसको पॉइज या ये भी इसको हम कहते हैं। एम के सिस्टम में देखिए क्या होगा, इसका किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसको हम दूसरी भी निकाल सकते हैं यहां से, ये क्या होगा न्यूटन अपॉन इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये भी हो सकती है। तो सीजीएस के अंदर पॉइज होती है और एमकेएस में हम या तो केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा अगर शहद ठंडा है तो उसको फ्लो होने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, परंतु अगर शहद को हम गर्म कर दें तो वो थोड़ा आसानी से फ्लो होता है। इससे स्पष्ट है कि श्यानता ताप को बढ़ाएं तो श्यानता क्या होती है, द्रवों की श्यानता घट जाती है, स्पष्ट है। आपको शहद का एग्जाम्पल हो गया और बहुत से आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर श्यानता घटती है। अब इसके बाद हम अभी हमने क्या देखा कि द्रव की परतों के बीच में आकर्षण बल लगता है, उसको हम श्यानता कह रहे थे,
लेकिन अगर द्रव के अंदर कोई ठोस गोला गति कर रहा है तो उस पर भी आकर्षण बल लगाता है, द्रव उसको भी अपनी तरफ खींचता है, उसका भी विरोध करता है। वो एक उसके बारे में अध्ययन किया स्टोक ने, तो स्टोक का नियम कहलाता वो, हम उसको करते हैं पहले स्टोक का नियम। स्टोक ने क्या बताया, स्टोक कहता है कि अगर किसी द्रव के अंदर जो कि स्थिर है द्रव, उसके अंदर कोई गोला जिसकी त्रिज्या r है, वो v वेग से अगर गति करे तो क्या हो रहा है कि इसके जब ये गोला नहीं था उस समय द्रव शांत था, अब ये गोला जो है इसके अंदर v वेग से गति करेगा तो ये वाला द्रव तो आगे आएगा, उससे जस्ट इस जगह v वेग से गति करेगा, जस्ट ऊपर जीरो वेग है तो वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि वो अब अपेक्षिक गति हो गई। अब अपेक्षिक गति का विरोध हमने अभी देखा कि द्रव करता है, तो वो कितना बल लगाएगा, वो श्यान बल लगाता है। स्टोक ने कहा कि ये श्यान बल किस किस बातों पे निर्भर करता है, एक तो जिस तेजी से अगर गोला जाएगा तो ज्यादा श्यान बल लगेगा, यानी कि इसके वेग पर निर्भर करता है श्यान बल, यानी एफ समानुपाति है वी, वी क्या है इस गोले का वेग है जो कि इसके अंदर गति कर रहा है। एक होता है आर के समानुपाती, जितना बड़ा गोला गति कर रहा होगा उतना ज्यादा श्यान बल लगेगा, ठीक है, तो जितना ज्यादा बड़ा गोला करेगा उतना श्यान बल ज्यादा होगा, इसलिए वो फोर्स जो श्यान बल है वो किसके समानुपाती हो गया, उसकी त्रिज्या के। और एक बात और है कि अगर ये पानी में गति कर रहा है तो श्यान बल कम होगा, और ये गोला अगर शहद में गति करे तो क्या होगा, और ज्यादा श्यान बल लगेगा, यानी कि वो उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और वो हमने देखा कि ईटा उसी पर निर्भर करता है, इसलिए ये श्यान बल किस पर निर्भर कर रहा है, तीसरा ईटा पर। तो अगर ये तीनों पर निर्भर कर रहा है, हम कंबाइन अगर इनको लिखेंगे तो एफ कितना हो जाएगा, ईटा आर वी, इन तीनों पर निर्भर कर रहा है। इस प्रोपोर्शनल को हटा के एक कांस्टेंट लेंगे तो स्टोक ने निकाला कि वो कांस्टेंट है 6 पाई, तो ये फॉर्मूला आ गया स्टोक का नियम कि अगर किसी द्रव में v वेग से r त्रिज्या का गोला गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला श्यान बल किस दिशा में होता है, ये श्यान बल वेग के विपरीत दिशा में होता है, अगर वेग इधर है तो श्यान बल किधर होगा, इस दिशा में होगा, तो वो श्यान बल जो है वेग के विपरीत है, और कितना है वो है 6 पाई ईटा आर वी, ईटा यहां पर श्यानता गुणांक है, आर इस गोले की त्रिज्या है और वी गोले का वेग है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि स्टोक के नियम के कारण हम अगर किसी द्रव के अंदर कोई गोला गिर रहा है तो उसकी गति किस प्रकार होगी, उसका अध्ययन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोक के नियम, स्टोक के नियम की सहायता से इसी द्रव में स्वतंत्रता स्वतंत्रता पूर्वक गिराए गए गोले की सीमांत वेग ज्ञात करना। अभी हम बताएंगे कि सीमांत वेग क्या होता है, यह हमारा टॉपिक है कि स्टोक के नियम से हम अगर किसी द्रव में स्वतंत्रता पूर्वक किसी गोले को गिराया गया है तो हम उस गोले का सीमांत वेग ज्ञात करेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या होती है वो मैं अभी आगे आपको इस टॉपिक में
बताऊंगा। हम इस स्थिति पर विचार करते हैं कि यहां एक द्रव भरा हुआ है जिसका श्यानता गुणांक कितना है, ईटा है। अब इसके अंदर एक गोले को हमने स्वतंत्रता पूर्वक गिराया, स्वतंत्रता पूर्वक यानी कोई बल नहीं लगाया, सीधा उसमें गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया उसको। तो अब इसकी भी हमने त्रिज्या ले लेते हैं, r स्मॉल r त्रिज्या ले लेता हूं। यह गोला किसी टाइम पर इस द्रव के अंदर इस स्थिति में मौजूद है। अब हम इसके ऊपर लगने वाले विभिन्न बलों पर विचार करते हैं, कौन कौन से बल लग सकते हैं। एक तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल निश्चित रूप से लगेगा इस पर। वो गिरी इसलिए रहा है कि इस पे जैसे मैंने छोड़ा है इसको द्रव में, वो नीचे क्यों जा रहा है, क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे जा रहा है। तो एक बल तो निश्चित रूप से हो गया आपको नीचे की ओर लगेगा, और वो होगा इसके बार के कारण। बारी इसका बार क्या होता है, पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही इसका बार कहलाता है। तो पहला तो क्या होगा, इसका बार कितना होगा, W कह लेता हूं मैं, W1। तो ये जो बार है इसका वो नीचे की तरफ लगेगा, कितना होगा हम वो भी निकाल लेते हैं। बार होता हम अगर इसकी द्रव्यमान M माने तो mg इसका बार होगा, वो मैं लिख देता हूं mg। अब देखिए मास भी कितना होगा, मास क्या होता है, आयतन इंटू गलत, क्यों हम जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है उसका घनत्व। अगर इसका घनत्व मैं ले लेता हूं कि माना कि इसका गोले का घनत्व, गोले का जो पदार्थ है उसका घनत्व है रो, मैं अंदर ही लिख देता हूं क्योंकि बाहर जो है मैं इसका घनत्व लिखूंगा द्रव का। तो रो इसका क्या है, घनत्व है, और आयतन इसका मान लिया अभी वी है, तो ये हो जाएगा वी इंटू रो इंटू जी। मैं यहां पर वी भी कितना है वो लिख देता हूं, कितना होगा आर त्रिज्या का जो गोला है और उसका आयतन ये चूंकि गोला है तो हो जाएगा 4/3 πr³। इसको मैं बाद में काम में लूंगा, अभी मेरे पास एक बल आ गया जो किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। अब हम दूसरे बल की बात करते हैं। द्रव के अंदर कोई वस्तु को जब गिराया जाता है तो आर्किमिडीज ने एक नियम दिया था कि अगर द्रव के अंदर कोई वस्तु गिरती है तो वो किसका स्थान लेती है, उस वस्तु से पहले वहां क्या था, द्रव था, और उस द्रव के स्थान पे वो आ गई है, तो द्रव इसको सहन करेगा, वो उसको वापस धक्का देता है। आर्किमिडीज ने यही बताया कि कितना बल लगाती है वापस वो द्रव, द्रव उसको ऊपर की तरफ वापस धक्का देता है, और वो जो बल होता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं हम। बी से लिख देता हूं मैं इसको, तो फिर यहां डब्ल्यू वन कहने की जरूरत नहीं है, डब्ल्यू कह देंगे। तो अब ये जो उत्प्लावन बल बी है, बॉयंट फोर्स इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए बी कह दिया मैंने इसको। अब ये ऊपर की तरफ लगेगा और वो कितना होगा जो देखते हैं। उत्प्लावन बल के बारे में आर्किमिडीज ने यह बताया कि द्रव कितना हटा इस गोले से, मतलब हटाए गए द्रव का जो भार होता है वो उत्प्लावन बल होता है, क्योंकि यहां पहले क्या था, इस गोले के आने से पूर्व द्रव था, तो उस द्रव का कितना भार था वो उतना ही बल ऊपर की ओर लगाता है वो द्रव, इसलिए उत्प्लावन बल हो जाएगा हटाए गए द्रव का भार। अब आप बताइए कितना होगा, यहां मैं इसका घनत्व ले लेता हूं सिग्मा, तो केवल घनत्व का अंतर है, यहां रो घनत्व था तब आ रहा था v इंटू रो इंटू जी। अब यहां पर पहले क्या था, इतने ही आयतन में पहले था द्रव और उसका घनत्व था सिग्मा, तो हटाए गए द्रव का भार कितना हो जाएगा, v इंटू सिग्मा इंटू जी। ये आपका उत्प्लावन बल हो गया, और वो किधर लग रहा है, वो लग रहा है ऊपर की ओर। पर अब आप देखिए कि ये गिर रही है, वस्तु गिर रही है, इसका मतलब कौन ज्यादा होगा, निश्चित रूप से भार ज्यादा है। अगर उत्प्लावन बल ज्यादा होता तो यह वस्तु तैरती, इसका मतलब वो गिर तो रही है, इसका मतलब भार निश्चित रूप से इस उत्प्लावन बल से ज्यादा है।
इस कारण ये अब गिरना प्रारंभ कर देगी, अदरवाइज तो वो तैरने लग जाती। अब वो गिरना प्रारंभ कर दिया है और उसमें वेग बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, क्यों कि जब बल लगाते हैं तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, इस प्रकार उसमें त्वरण आ जाता है और त्वरण के कारण उसके वेग में वृद्धि होने लग जाती है। हम देखते हैं कि किसी एक स्थान पर उसका जो वेग अगर v होता है, मान लिया मैं इस स्थिति में इसका वेग है इस गोले का v, उस स्थिति में उस पर और कौन सा बल कार्य कर रहा है? अभी हमने कहा था स्टोक के नियम से बताया गया कि एक श्यान बल और कार्य कर रहा है, वो कितना है? श्यान बल यानी कि विस्कस फोर्स, वो और कार्य कर रहा है, वो कितना है? F कह देते हैं उसको। वो अभी निकाला था आपको कि 6πηRV होता है, और वो किस दिशा में होगा? गति के विपरीत दिशा में होता है। गति किधर हो रही है? नीचे। तो श्यान बल किधर लगेगा? ऊपर। यानी कि ऊपर कौन कौन से बल हो गए? अब एक तो हो गया बी और एक हो गया F। तो नीचे लग रहे हैं वेट और ऊपर लग रहे हैं बी और F। अब क्या ये तीनों बल बराबर हैं या परिवर्तनशील है या कांस्टेंट है? हम देख रहे हैं कि बाहर कांस्टेंट है, हम देख रहे हैं कि उत्प्लावन बल भी वी सिग्मा जी तीनों चीजें कांस्टेंट है, पर श्यान बल जो है 6πηRV आ रहा है। यहां क्या बढ़ रहा है? वेग बढ़ रहा है, यानी कि श्यान बल हमेशा बढ़ता जा रहा है। अब श्यान बल बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि ये नीचे के जो कुल बल है उसके बराबर ये ऊपर वाला बल हो जाएगा, ऐसी स्थिति आएगी निश्चित रूप से, बशर्ते कि पेंदा पहले नहीं आ जाए, ये पानी खूब सारा नीचे गहराई तक होना चाहिए, अदरवाइज तो ये हो सकता है कि ये सीमांत स्थिति आने से पहले पहले ही पेंदा आ जाएगा, तो नहीं आएगी वो स्थिति। अदरवाइज तो क्या होगा, कभी न कभी ऐसी स्थिति अवश्य आएगी कि वेग बढ़ते बढ़ते ये दोनों का जो सम है वो इसके बराबर हो जाएगा, उस स्थिति में नेट बल कितना होगा? शून्य हो जाएगा, ऊपर वाला बल नीचे वाले बल के बराबर हो गया, यानी कि बी प्लस एफ कितना हो गया है? डब्ल्यू हो गया है, यानी कि नेट बल कितना हो गया? ये दोनों बल किधर है? ऊपर है, ये बल किधर है? नीचे है। तो हम देख रहे हैं कि जब बी प्लस एफ बराबर डब्ल्यू हो गया उस समय उस पर परिणामी बल उस गोले पर शून्य हो गया। अब बताइए कि अब गोला क्या करेगा? मैं बहुत सी बार क्लास में पूछता हूं, बच्चे कहते हैं अब रुक जाएगा, जो कि गलत है। क्यों? कि हम न्यूटन का नियम से जानते हैं कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहती है, और अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहती है जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो उस पर बाह्य बल तो कार्य नहीं कर रहा है, पर क्या वो स्थिर है उस समय जब उस पर बाह्य बल कार्य करना बंद हुआ? उस समय क्या वो स्थिर थी? नहीं थी। उस समय क्या था? वो जिस वेग से भी गति कर रही होगी उसी वेग से बाद में गति कर रही करती रहेगी, क्योंकि उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब उस पर बल लगना बंद हो गया है। तो जब तक बल लगता रहा जब तक उस पर वेग बढ़ता रहा, अब वेग शून्य नहीं होगा, जबकि क्या होगा? वेग का बढ़ना रुकेगा, यानी कि त्वरण शून्य होगा। तो उस स्थिति में जो वेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा, फिर उसका बढ़ना रुक जाएगा। उसी वेग को हम टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग कहते हैं। अब मैं उसकी मान लिया कि वो स्थिति जब आई है, कब आई है? जब ये दोनों बराबर हो गए, उस स्थिति में उसका वेग क्या मान लू मैं? वीटी, वही टर्मिनल वेलोसिटी है, वो मैं ले लेता हूं। जब ये वीटी हो गया तभी बराबर हुए। अब मैं इन तीनों की वैल्यूज इसमें रख देता हूं, क्या आ जाएगा? बी कितना है? बी है वी वी सिग्मा जी प्लस 6πηRVT इक्वल टू वी रो जी। ये आ गया आपके, और जब ये बराबर हुए उस स्थिति का वेग वीटी है, और वो वीटी अब कांस्टेंट हो गया है, अब बढ़ना रुक गया है उसका। अब मैं इसका मान ज्ञात कर लेता हूं, अब देखिएगा आप 6 पाई
6 पाई ईटा आर वी टी इक्वल टू कितना होगा, वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। अब यहां वी और जी को कांस्टेंट बाहर ले लेता हूं तो रो माइनस सिग्मा आ जाएगा, ये आ गया आपके 6 पाई ईटा आर वी टी। मुझे निकालना है वी टी, तो वी टी इक्वल टू हो जाएगा, ये वी डिफरेंट है, ये वी कैपिटल आयतन है गोले का, और ये स्मॉल वी टी क्या है, सीमांत वेग यानी टर्मिनल वेलोसिटी। तो वी जी इंटू रो माइनस सिग्मा अपॉन 6 पाई ईटा आर। अब मैंने अभी लिखा था यहां गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यू, ये इसमें पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू जी इंटू रो माइनस सिग्मा अपॉन 6 पाई ईटा आर। एक आर से एक आर कैंसिल होगा, यहां स्क्वायर बच जाएगा, 2 3 6 2 4 कितना हो जाएगा, अब 2/9 ईटा, इस पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा, ये होता है गोले का सीमांत वेग। इस प्रकार हम स्टोक के नियम की सहायता से किसी द्रव में किसी स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए गोले का सीमांत वेग ज्ञात कर सकते हैं। और अगर न्यूमेरिकल आता है कभी तो इसमें आर जी रो सिग्मा ईटा की वैल्यू दी हुई हो तो हम उसका सीमांत वेग ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार इस चैप्टर में हमने पहले आपको श्यानता के बारे में बताया, फिर स्टोक के नियम के बारे में बता के, और उसका सीमांत वेग किसी गोले का स्टोक के नियम की सहायता से ज्ञात किया। और अगर आपको इस लेसन में कुछ समस्या आती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब कमेंट में दे दूंगा। और अगर आपको ये बहुत पसंद आता है तो उत्साहवर्धन के लिए लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।